वेलकम टू मैथिक्सिस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमारा ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से आपके सेमेस्टर 2 के रिजल्ट का इंतजार था। तो हम कह सकते हैं वो टाइम काफ़ी करीब आ चुका है जब आपका ICSE क्लास 10 का सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। यानी जिस चीज़ का आप इंतजार काफ़ी टाइम से कर रहे थे अपने ICSE सेमेस्टर 2 का रिजल्ट का, अब वो कह सकते हैं कि उसका टाइम एकदम नज़दीक आ चुका है। बस विद इन ए वीक आपका रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा। कुछ दिनों के अंदर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे कि आखिर आप सेमेस्टर 2 में आपको कितना नंबर आपने स्कोर किया है, क्या कुछ नंबर आप क्या कुछ मार्क्स आपको मिले हैं, कितना आपका परसेंटेज बन रहा है, किसी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा है कि नहीं लगा है। और हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफ़ी बेहतर बने और साथ ही साथ आप अपनी आगे की पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएँ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट अब बहुत ही कम समय में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करना चाहूँगा कि इस बार जो आपका रिजल्ट है वह आपको डिजी लॉकर के माध्यम से देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि यह एक कह सकते हैं कि आप PDF रीडर टाइप का फाइल है जहाँ पर आपको आपका रिजल्ट पहले से ही अपलोड मिलेगा। डिजी लॉकर में आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अभी ऐसा है, CBSE की तरफ से रूल आया है कि आपका जो CBSE क्लास 10th का रिजल्ट है या फिर CBSE क्लास 12th का रिजल्ट है वह अब स्टूडेंट्स को डिजी लॉकर के फॉर्मेट में मिलेगा। और सेम ऐसा कहा जा रहा है कि ICSE बोर्ड या फिर ISC बोर्ड भी इसको फॉलो करेगा 100%, क्योंकि यह जो रूल है सबके लिए बना दिया गया है कि अब सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आधार कार्ड हो, आपका बैंक, आपका किसी भी क्लास 10th 12th का मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, हर एक चीज़ का डाटा सभी लोगों के डिजी लॉकर पे अवेलेबल होगा। यानी अगर आपका किसी कारणवश कुछ आपके मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो आप अपने डिजी लॉकर्स पे इन सभी चीज़ों को एक जगह पे देख पाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो इस बार के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स का फॉर्मेट जो होगा उन रिजल्ट्स को ऑलरेडी डिजी लॉकर पे अपलोड करके ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट, चाहे CBSE का हो या फिर ICSE का हो, वो आपको डिजी लॉकर के फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा। और आपका ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 2 का रिजल्ट हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि 15 से 20 जुलाई के बीच में 100% आ ही जाना है और आपका इंतजार अब ख़त्म हो जाएगा। आप सभी को आप फाइनली अपना मार्कशीट क्लास 10th का मिल जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।